फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक नाइट क्रीम का है। और ये होममेड नाइट क्रीम है जो कि मैं काफ़ी समय से लगा रही हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में उसे बंद कर देती हूँ तो मेरे चेहरे पे अलग ही पता चल जाता है कि मैं इस टाइम पे वो नहीं लगा रही हूँ। जैसे कि मेरे चेहरे पे फिर काफ़ी डार्क सर्कल पड़ जाते हैं या ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो फिर जब मुझे समझ में आता है कि नहीं अब फिर से ये होने लगे हैं तो मैं उसे दोबारा से चालू कर देती हूँ। और ये इतनी बढ़िया नाइट क्रीम है कि मतलब मैं ठंड में तो पूरी ठंड इसे लगाती हूँ, और मेरे घर में सारे लोग, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी लगाते हैं। तो मैंने आज उसे फिर से दोबारा बनाया है क्योंकि ठंड अब स्टार्ट होने वाली है, तो उसके पहले ही मैं ये चालू कर देती हूँ। और जब मैं ठीक लगने लगता है तो मैं उसे बंद कर देती हूँ गर्मी आते आते तक, लेकिन दोबारा से वो फिर से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी नाइट क्रीम है और पूरी घर की चीज़ें, घर में हमारे अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें, उसी से मैंने ये नाइट क्रीम बनाई है। तो इसमें जो चीज़ें लगेंगी बहुत ही ज़्यादा असरकारक होती है वो हमारी स्किन के लिए, तो कोई भी ऐसी हार्मफुल इसमें मैंने चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग देखिए क्रीम मैंने किस तरह से बनाई है, और आप लोग भी यूज़ करके देखिए इसे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। और धीरे धीरे पता चलेगा, एकदम से एक दो दिन में तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये कैसा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं और किस तरह से ये नाइट क्रीम बनाई गई है। तो मैंने इसमें यूज़ किया है ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन तो हम लोग सभी लोग लगाती हैं ठंड में, तो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में मिल जाती हैं। नारियल का तेल जो हमारी स्किन को काफ़ी चिकना बना देता है, तो इस तरह से नारियल का तेल यूज़ किया है और एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। तो घर का एलोवेरा यूज़ नहीं किया है, जो मार्केट का होता है वही एलोवेरा जेल मैंने इसमें यूज़ किया है। चाहे तो घर का भी डाल सकते हैं, लेकिन घर का डालने में मुझे लगता है कि मतलब मार्केट का जो एकदम साफ होके आता है तो वो वाला यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने वो चीज़ बनाई है आज नाइट क्रीम, और चलिए देख लेते हैं कि इसमें कैसे किस तरह से मैंने इसे बनाया है। और इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, करीब एक महीने ये आराम से चल जाएगी, लेकिन इसे फ्रिज में रखना होगा। तो फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से एक महीने चल जाती है, लेकिन मेरी एक महीने के पहले ख़त्म हो जाती है क्योंकि मैं अपने हाथों में भी लगाती हूँ और नेक एरिया में भी लगाती हूँ, और रात में लगा लो बिल्कुल लगती नहीं है कि कोई ऐसे हमने हैवी चीज़ हमारे स्किन पे लगाए हैं। तो लगा के थोड़ी देर पहले मैं मसाज जैसे कर लेती हूँ उससे, और उसके बाद सवेरे बिल्कुल एकदम स्किन एकदम चिकनी। तो मैंने सीरम को बनाने के लिए लिया है एलोवेरा जेल, और एक नींबू का पूरा रस लगेगा, और लगेंगे विटामिन ई के कैप्सूल, हनी, बादाम का तेल, और ग्लिसरीन है ये मैंने एक दूसरे डब्बे में भर के रखी हुई है, तो ये ग्लिसरीन लूँगी मैं, और साथ ही इसमें लूँगी ये नारियल का तेल। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी या मार्केट में हमें बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी, उन्हीं से मैं ये बनाऊंगी। तो मैं सारी चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल एक सी रख रही हूँ। मैं 4 चम्मच के करीब ले रही हूँ एलोवेरा जेल, और 4 चम्मच ही मैं लूँगी शहद एंड छोटी चम्मच है ये, इससे ले रही हूँ 4 चम्मच ही लूँगी मैं ग्लिसरीन, और 4 चम्मच ही लूँगी मैं बादाम का तेल, और मैंने पूरा एक नींबू लिया है और उसका मैंने रस निकाल के रख लिया है पहले ही, और 4 मैं विटामिन ई के कैप्सूल मिला रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और हम इसे एक दूसरे किसी कंटेनर में भर के और फिर फ्रीज में रख देंगे, तो ये सवेरे तक बहुत अच्छे जम जाएगी। इस तरह से जम गई है, और मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ। और इसे लगाने पर ये बिल्कुल स्किन में एकदम अब्जॉर्ब हो जाती है,
बिल्कुल लगता नहीं है कि हमने कुछ ऑयली चीज़ अपनी स्किन पे लगाई हुई है।